बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 13 फॉर अ क्लास 7th ऑफ अ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, एंड नाउ वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 10 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। प्रीवियस रिव्यू में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखे, जिसके अंदर हम लोगों ने इनके डिफरेंट आइकन्स को रीड आउट विद द फंक्शंस किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नाउ यू नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले फीचर्स ऑफ द गुड ईमेल प्रोग्राम पढ़ा था, जिसके पास हमारे पास क्या था कि अगर एक आपके पास ईमेल प्रोग्राम है जिसमें आपके पास सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस आते हैं, तो वो ये दोनों ही होने ज़रूरी हैं। देन इसके पास बाइनरी फाइल्स भी अटैच होनी चाहिए इसके साथ, उसके साथ विद द कोड ऑफ द मैसेज होना चाहिए। आपके जितने भी सॉर्टिंग हैं, रिसीविंग है, ये मेल्स की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेंशन होना चाहिए, तो आपका क्या होगा कि जो गुड ईमेल प्रोग्राम का फीचर कहलाएगा। अब नाउ यू नो में अगर हम लोग देखें कि नाउ यू नो में हम लोगों के यही जो की टर्म्स हम लोगों ने जितने पॉइंट्स हम लोगों ने पहले पढ़े हैं उन्हीं को एक कोलैबोरेटेड फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, हम लोग उनको देख लेते हैं। पहला बुलेट पॉइंट है आपके पास आर टू पेन विंडोज विद द रिसोर्सेज इन द लेफ्ट पेन एंड कंटेंट्स इन द राइट पेन। वो कह रहे हैं कि टू विंडो पेन आपके सामने आती है, लेफ्ट साइड पर रिसोर्स पेन कहलाती है और राइट पेन कंटेंट्स पेन कहलाती है। ठीक है, दो जो आपके पास है, जो छोटी वाली साइड होती है वो रिसोर्स पेन होती है, ठीक है, जिसको आपने मीन की जो बड़ी वाली रिसोर्स होती है, और जो कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर, कंटेंट्स जो उसके अज़ा होते हैं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उनके कंटेंट्स होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। सेकेंड बुलेट पॉइंट में देखें, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 हैज़ डिफरेंट टैब्स एंड ग्रुप्स। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के बहुत सारे या मुख्तलिफ टैब्स एंड ग्रुप्स हैं, वेरियस हैं। ईच टैब कॉन्टेंस डिफरेंट कमांड, और हर टैब की डिफरेंट कमांड है, हर टैब अपना डिफरेंट एक्शन, डिफरेंट काम का इस्तेमाल करता है। राइटिंग मैसेज में देखें कि आपके पास राइटिंग मैसेज कैसे होता था, या हाउ टू कंपोज अ मैसेज, आप अपने मैसेज को राइट कैसे कर सकते हैं। फिल द टू बटन, सबसे पहले हमने टू बटन को फिल करना होता था। टू बटन में हम लोग सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, जिसको हमने लेटर सेंड करना है, मेल सेंड करनी है। सेकेंड में हम लोगों ने उसका सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट से हमें वो मेल का कंफर्म हमें मैसेज आ जाता है, हमें समझ आ जाती है देखते ही कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एंड द मैसेज एंड क्लिक सेंड, तो क्या करना है कि बॉडी ऑफ द मैसेज है, या फिर क्या करेंगे कि आप उस मैसेज पे जो बॉडी मतलब कि उसमें आप लोग वो मैंशन करेंगे और उसको सेंड कर देंगे। नेक्स्ट वाला देखिए कि ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर पढ़ाया था कि आपके पास ये जो फर्स्ट वाला नेम होता है, ये इट्स मस्ट बी अ वेरी यूनिक, ये यूनिक होगा तो तभी वैसे मेल बनती है, लेकिन ये क्या है कि आपके पास जो एड्रेस है वो यूनिक ही होना चाहिए, तभी आपकी जो मेल है, ईमेल एड्रेस जनरेट होगा। उसके बाद ये आपके पास डोमेन नेम है, और उसके बाद आपका जो डोमेन नेम का जो कंपनी नेम आता है वो मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट वाले में देखें रिसीविंग मेल्स, कि अब आप लोग मेल्स को कैसे रिसीव कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेंड रिसीव ऑल फोल्डर्स कमांड टू सेंड ऑल द मेल्स इन द आउटबॉक्स एंड रिसीव मेल्स। वो कह रहे हैं कि रिसीविंग मेल्स में हम लोग क्या करेंगे, सेंड एंड रिसीव फोल्डर को क्या करेंगे, सेंड ऑल मेल्स को सेंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे आउटबॉक्स में, और मैसेजेस को रिसीव करने के लिए भी सेंड और रिसीव का ही ऑप्शन क्लिक करेंगे। देन अब आपने क्या करना है, अपने मैसेजेस को व्यू करना है, व्यूइंग मैसेजेस। आप लोग थॉरली इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसको समराइज फॉर्म में भी देख लें। क्लिक द मेल इन द ईमेल हेडर व्यू। वो कह रहे हैं कि ईमेल जब आती है तो उसी हेडर व्यू को क्लिक कर लें, तो क्या होगा कि आपके पास प्रीव्यू पेन में वो मेल आपके सामने अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट वाला है रिप्लाइंग। अब आपने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही आपने इसमें नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में कि आपने क्या किया था कि रिप्लाइंग में कि आपने क्या करना है, अब आपने उसी मैसेज को जो आपके पास मेल आया है आपने उसको रिप्लाई करना है, उसी को रिस्पॉन्ड करना है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट द ईमेल टू रिप्लाई टू एंड क्लिक द रिप्लाई बटन। वो क्या कह रहे हैं कि अब आपने अपना सेलेक्ट कर लें मेल जिसमें आप लोग रिप्लाई का बटन इस्तेमाल करेंगे, और अपनी मेल में जो आपने उसको रिप्लाई करना है विद द कोड ऑफ द मैसेज तो आप उसको सेंड कर देंगे। नेक्स्ट में देखें टू ओपन एन ईमेल अकाउंट। अब आपने एक ईमेल अकाउंट जनरेट करना है तो वो कैसे करेंगे, ओपन द वेबसाइट इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में से वेबसाइट ओपन कर लें, क्लिक द लिंक साइन अप। यहाँ पे अब किसको आपने क्लिक करना है, साइन अप का। यहाँ हमारे पास तीन तरह की टर्म्स होती हैं, जिसमें साइन अप, साइन इन एंड साइन आउट। ये अब आप देखें कि साइन अप जो है हमेशा हमारे लिए क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ओके, साइन अप
की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट, जबकि साइन इन का क्या मतलब है कि उस टू गो टू योर अकाउंट, ठीक है, या आपका अपने उस अकाउंट में दाखिल होना चाहते हैं एंट्रेंस के लिए, तो आप लोग किसको क्लिक करेंगे, साइन इन को। और इसी तरह से आप लोग अभी लॉग आउट या लॉग साइन आउट को इस्तेमाल क्या करेंगे, अपने अकाउंट से बाहर जाने के लिए। फिल इन द डिटेल्स में देखें कि अब आपने डिटेल्स को फिल करना है, आपके पास सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर होगा जिसमें आपने अपने आईडी, पासवर्ड्स वगैरह, नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और जेंडर्स नेम वगैरह आप लोग मेंशन करेंगे। एंड आईडी शुड बी यूनिक, जो आपका नेम आप चूज़ करोगे वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तभी आपकी जो आईडी है वो जनरेट हो पाएगी। टू राइट अ मैसेज एंड रिसीव मेल, अब आपने एक मैसेज राइट करना है और मेल्स को रिसीव करना है, तो वो किन तरीक़ों के साथ करेंगे, ओपन अ वेबसाइट, क्या करेंगे, वेबसाइट को ओपन कर लें, टाइप इन योर आईडी एंड पासवर्ड, अपनी आईडी डालें और उसमें अपना पासवर्ड जो आपने अभी लॉग मतलब कि जनरेट किया है, बनाई है, वो करें, क्लिक ऑन लॉग इन और साइन इन। अभी मैंने आपको बताया है कि साइन अप टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लॉग इन और साइन इन हमारे लिए एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने अब उस एड्रेस के अंदर दाखिल होना है। मेल पेज इज ओपन, तो क्या होगा कि आपके पास जो फ्रंट मेल पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन इनबॉक्स टू व्यू द मैसेज, अब आपने क्या करना है, व्यू करने के लिए मैसेजेस को इनबॉक्स को क्लिक करेंगे। अब रीड करना है यहाँ पे, तो क्लिक ऑन मेल सब्जेक्ट, तो आप मेल को करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने मेल्स को रिसीव भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अब आपने न्यू मैसेज लिखना है तो क्लिक ऑन कंपोज या प्लस बटन आएगा, आप लोग उसको क्लिक करेंगे। मेल्स कैन बी डिलीटेड एंड मूव टू अनदर फोल्डर, क्या है, मेल्स जो है आप डिलीट भी कर सकते हैं और अनदर फोल्डर में मूव भी कर सकते हैं। अभी जितना भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं ये सारे आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज करवाए जाएंगे और जो होम टास्क होगा आप लोगों के रजिस्टर्स के ऊपर मेंशन किया जाएगा। अभी आप लोग इसकी लर्निंग करें। नाउ विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।